यद्यपि मुझे तुमसे कुछ कहने का अधिकार नहीं, परंतु पुत्री, तुम्हारे पूर्वज पुलत्स मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मैं भी उन्हीं ब्रह्मा का मानस पुत्र होने के नाते तुम्हारा वंशज ही हूं। बेटी, आदिकाल से सृष्टि का यही नियम है, यही विधि का विधान है। इस पृथ्वी पर कोई साथ आता नहीं, न कोई साथ जाता है। हर प्राणी आता है तो अकेला, काया को छोड़कर जीव जाता है तो अकेला। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम, यह चार गुण हों, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद। अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे के प्राण लेना धर्म नहीं, पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि मैं आपका आहार बन जाऊं। कितनी धर्मयुक्त बात की है तूने। अब आजा मेरे मुंह में। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा। उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहां पहुंच जाऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूं। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं हूँ, अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। है, मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। जो भूखा हो उसका अधिकार सर्वप्रथम माना गया है, यही धर्म है। इसलिए यदि तुमने मेरी भूख ना मिटाई तो वो धर्म विरुद्ध होगा।